बिजनेस तबाह हो रहे हैं, लिटरली तबाह हो रहे हैं। जिस दीवार को एक धक्के की जरूरत है ना, ये मिलके 10-15 लोग इकट्ठे उसको धक्का लगा रहे हैं। एक क्लाइंट जो होता है ना, वो आपके बिजनेस को 4-5 साल तक का फ्यूल देता है। वो क्लाइंट चला गया, बिजनेस क्या करेगा? लोग बंद करेंगे ना, बिजनेस शट डाउन करेंगे। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने की सोच रहा है। कुल मिला के इस वक्त ये सिचुएशन है कि जिस दीवार को एक धक्के की जरूरत है ना, ये मिलके 10-15 लोग इकट्ठे उसको धक्का लगा रहे हैं। नुकसान छोटा वर्ड है, तबाही हो रही है। नुकसान तो ये है ना कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजिकल डिसीजन किया, आपके 10 वेंडर थे, एक चला गया, 9 रह गए, थोड़ा आपको नुकसान हो गया। आप 100 रुपये कमा रहे थे, आपको नुकसान हुआ, आप 90 रुपये कमा रहे हो, 80 रुपये कमा रहे हो, ये तो हो गया नुकसान। भाई एक बंदा 100 रुपये कमा रहा था, उसके पैसे बिल्कुल बंद हो गए, वो 0 पे आ गया, अब इसको नुकसान कहेंगे? दिस इज डिस्ट्रक्शन, तबाही हो रही है यार, तबाही हो रही है लिटरली। हमारे क्लाइंट काम देने से डर रहे हैं, तबाही हो रही है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो इसको नुकसान ना करो। हमारे क्लाइंट बैठे हैं, सर्वर पड़े हुए हैं US में, हमने उस सर्वर को एक्सेस करना है US की IP से। अगर हम पाकिस्तान की IP से उस सर्वर को एक्सेस करते हैं और हमने उस IP को ओपन छोड़ा हुआ, तो इसका मतलब है दुनिया में कोई भी शख्स कहीं से उस सर्वर पे अटैक कर सकता है। इसलिए हमने US में अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए VPN के थ्रू जाते हैं, स्टैटिक IP के थ्रू जाते हैं, और एज ए US एंटिटी के तौर पे जाते हैं, ताकि हमें सिक्योरिटी के, लोग VPN को सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी VPN में आप जाएं PTA की वेबसाइट पर, आप जाके खुद को रजिस्टर करें। अगले दिन मैंने वीडियो बनाई है, आप रजिस्टर करें, आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। आप रजिस्टर कर लें अपनी कंपनी को, आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। आप करके देखें, एज ऑफ नाउ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज क्या डेट है, इट्स लाइक 4th of December, नहीं है, मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, दे ट्राइड, आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने कोशिश की। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि एक्चुअली ये लोग VPN वाइट लिस्ट नहीं कर रहे, ये लोग डिवाइसेज एंड IPs वाइट लिस्ट कर रहे हैं। आप डिवाइसेज एंड IP वाइट लिस्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंटरनेट मेरी इस डिवाइस पे चल रहा है, एक इंटरनेट मेरी इस डिवाइस पे चल रहा है, और एक इंटरनेट मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे इन तीनों पे इंटरनेट चलवाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, ये तीनों डिवाइसेज अगर मेरे इंटरनेट के किसी स्टैटिक IP से लगी हुई हैं, वो मैं स्टैटिक IP उनको दे देता हूँ, वो स्टैटिक IP को वाइट लिस्ट कर सकते हैं, तो मेरा इंटरनेट चलेगा, VPN के साथ चलेगा, VPN के बगैर चलेगा, बट चलेगा मेरा इंटरनेट, आई गेट बेटर स्पीड। सवाल ये पैदा होता है, स्टैटिक IP तो पेड होता है, मोस्टली स्टैटिक IP के पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरा, मैं यही 3 डिवाइसेस उठा के ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ, मीटिंग पे जाता हूँ, घर में जाता हूँ, अब वो IP मेरे पास नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैंने जाना है, जिस इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वो इंटरनेट स्टैटिक IP पे भी हो, जो कि मैंने कहा कि एक एडिशनल पेड सर्विस होती है मोस्टली, और वो IP मैंने इनको भी दिया हुआ, एक मसला। दूसरा, अगर मेरे पास स्टैटिक IP नहीं है, तो मैं इस डिवाइस का भी MSISDN नंबर दूंगा, इसका भी दूंगा, अपने लैपटॉप का भी दूंगा, और मेरी कंपनी में इस वक्त 150 लोग काम करते हैं, सबके पास 2 से 3 डिवाइसेज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को 500-600 डिवाइसेज के MSDN सिर्फ एक कंपनी देगी कि रजिस्टर करें। अब बताएं कि अगर पाकिस्तान ने सब ये शुरू कर दिया, तो कितना डेटा हमारे पास होगा, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, कंप्यूट क्या होगी, और अगर खुदा ना खास्ता वो हैक हो गया तो क्या होगा? अब बताएं, ये फिजिकली आपको ये पॉसिबल लग रहा है, ह्यूमनली पॉसिबल लग रहा है कि हर बंदा अपनी डिवाइस को वाइटलिस्ट करा ले? अभी इस सिस्टम को मेच्योर नहीं किया गया। एंड जब मैं ये कह रहा हूँ, तो PTA की वेबसाइट पर आप जाके रजिस्टर करके देख लें। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्मूथ है, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत बेसिक काम है। एक फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का, कंप्यूटर साइंस का एक फ्रेश ग्रेजुएट भी इस मसले को हल कर सकता है। वो मसला इतने दिनों में क्यों हल नहीं हुआ? मुझे आज रिपोर्ट किए हुए 10 से ज़्यादा दिन हो गए।